हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले, आप लोग को जो बहुत परेशानी हो रहा है उस परेशानी के लिए हम बात करेंगे बीसीसी 2022 के लिए। ठीक है, तो 2022 के लिए हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा काउंसलिंग। जी हाँ, ऑनलाइन काउंसलिंग की हम बात करेंगे कि ऑनलाइन जो काउंसलिंग है उसका जो डॉक्यूमेंट है क्या क्या लगने वाला। तो ध्यान से समझिए एक बात, उन लोग का जो आप लोग का स्टार्टिंग है, सुनो, आज 17 नवंबर हो गया, तो 17 नवंबर से एक बात बढ़िया से समझिएगा कि 17 नवंबर 2022 से ही आपका जो है काउंसलिंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, काउंसलिंग नहीं, पहले समझिए बढ़िया से क्या स्टार्ट हुआ। च्वाइस फिलिंग जो है आपको च्वाइस करना, च्वाइस फिलिंग में आपको कोर्स चुनना है। क्या चुनना है बाबू? कोर्स चुनना है। क्या चुनना है? कोर्स चुनना है कि आपका जो है कोर्स क्या। 17 नवंबर है, हम सुबह बीडी क्यों नहीं डाले, कुछ कारण बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन क्या दिया था, ऐसा नहीं कि हम पहले वीडियो डालते, कंफ्यूजन यहाँ पे दिया था कि देखो जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग जो दिया है 19 नवंबर से शुरू दिया है, 19 नवंबर से दिया है, इसलिए थोड़ा सा हमने भी टीचरों से बात किया, वहां बीसीसी को बोर्ड के जो भी टीचर है वहां कुछ टीचर से संपर्क किया, तो हमने समझा, इसलिए आपको ये डायरेक्ट चीज नहीं बताया, थोड़ा सा समय लिया, लेकिन आपको क्लियरली बता देंगे। तो 19 देखो ऑनलाइन जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया जो शुरू होगा वो 19 नवंबर से शुरू होगा, लेकिन च्वाइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वह 17 नवंबर 2022 यानी आज से शुरू हुआ। तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि च्वाइस फिलिंग और ऑनलाइन काउंसलिंग क्या होता है। तो सुनो, च्वाइस फिलिंग में क्या करना है कि आज से लेकर के आपको डेट नहीं दिया, ये डेट नहीं दिया, ठीक है, नोटिस अभी देगा, ठीक है, फिर से नोटिस आएगा। तो आज से 17 नवंबर से जो है, अब ये नहीं पूछना कि इसमें क्या क्या, हम सारी चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। 17 नवंबर आज से जो है आपका रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग, सीएफ का मतलब क्या, च्वाइस फिलिंग और मतलब रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग जो है शुरू हो गया, ठीक है। आप लोग अपने घर पे बैठ के मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि तो 19 नवंबर को क्या होगा, तो सुनो 19 नवंबर को कुछ हो चाहे ना हो, आज आपका क्या होगा, आज से च्वाइस फिलिंग हो रहा है और रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसमें आपको कोर्स चुनना है कि जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उस कोर्स का 10 गो कॉलेज का नाम चुनना है, बी फार्म लेना है तो 5 कॉलेज का नाम चुनना है, बीएमएलटी में लेना है तो 5 कॉलेज का नाम चुनना है, जितना कॉलेज है सारे कॉलेज का नाम चुनना है। अगर कॉलेज का लिस्ट नहीं है आपके पास, ठीक है, कॉलेज की अगर बात करें, कॉलेज का लिस्ट आपके पास नहीं है च्वाइस फिलिंग के लिए, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ना, आप सबको पता है हमारा जो व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट्सएप नंबर 9135839667, इस पर मैसेज करके आप कॉलेज का लिस्ट ले सकते हैं। देखो गवर्नमेंट में कराना, प्राइवेट में मत कराना, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट, तो आपको 17 नवंबर से आज से शुरू हुआ, सभी बच्चे कल जाके फॉर्म भर रजिस्ट्रेशन च्वाइस फिलिंग कर लीजिएगा कोर्स। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट का कि डॉक्यूमेंट जो है क्या क्या लगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो है क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट लगेगा आपका रैंक कार्ड, जो आपका रैंक आया था ना वो रैंक कार्ड लगेगा आपका, ठीक है। ऐसे सुन लो, एक बात कंफर्म सुन लो कि च्वाइस फिलिंग में कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। वो खाली जाइएगा आपका जो एडमिट कार्ड का क्या खोजेगा, साइबर कैफे ऑनलाइन जो फॉर्म भरते हैं ना वहां, और रोल नंबर खोजेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर खोजेगा, ठीक है, और रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, बस हो गया, आपका च्वाइस फिलिंग कर देगा, ये वो कोर्स बताइएगा उस पर कॉलेज का नाम दे देगा गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखिएगा, रैंक कार्ड, दूसरे नंबर पे आता है आपका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड रखिएगा, फिर आप रखिएगा यहाँ पे तीसरे नंबर पे फोटो जरूर रखिएगा बाबू, चौथे नंबर पे आता है, ये सारे डॉक्यूमेंट रखिएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग कहने का मतलब समझ रहे ना कि सारा जो प्रक्रिया होगा वो 19 तारीख से, लेकिन रजिस्ट्रेशन च्वाइस फिलिंग ही यही होता है। देखो ऑनलाइन ये अलग से नहीं कोई सुविधा है, लेकिन इसी को च्वाइस फिलिंग और यही हो गया ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है। फोटो लगेगा, फिर आपको क्या यहाँ पे रखना डॉक्यूमेंट, 10th और 12th का, जी हाँ 10th और 12th का मार्कशीट, ऐसे आपको 12th का ही मार्कशीट लगता है, 10th का ना के बराबर लगता है, कभी कभी उसकी सीसा मांगा जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको लगने वाला है एसएलसी है, तो सीएलसी आपको बहुत जरूरी है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट,
बहुत जरूरी है। फिर माइग्रेशन है तो माइग्रेशन आपका लग जाएगा, ठीक है। फिर आपका जाति आवासीय आय, जाति आवासीय आय, आवासीय आय लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज जो अभी नहीं लगेगा, ऐसे डॉक्यूमेंट में देखिए कौन चॉइस फिलिंग में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता ज्यादा, ठीक है ना, लेकिन लगे तो आप लेके जाइए, कोई बात नहीं। सारी चीजें हमने बता दिया, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।